हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एफी टेक में। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं डिजिटल अलार्म क्लॉक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसकी वजह से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है कलर चेंज डिजिटल अलार्म क्लॉक, जिसको हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले इसके क्या फीचर्स है और हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे क्या अलग अलग फीचर्स है। जैसे कि इसमें जो सबसे बड़ा फीचर बताया गया है वो ये कि इसमें जो लाइट है वो ब्लिंक होते हैं डिफरेंट लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वाइट, येलो, ऑरेंज, ट्रांसपेरेंट, ग्रीन और ब्लू। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये लाइट सच में ब्लिंक होते हैं कि नहीं होते हैं और इसमें आप अलार्म सेट कर सकते हैं कि नहीं सेट कर सकते, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें इसको देखते हैं। आइए, ये देखिए, ये ओपन किया, इसमें ये मुझे मिला अलार्म क्लॉक। ये बिना बैटरी के आई थी, इसमें मैंने बैटरी खुद से डाली है। तो अभी जो मैंने अभी बैटरी डाली तो ये समय बता रहा है, जो कि ये टाइम जो है वो गलत बता रहा है और डेट सारी चीज़ें गलत है। मैं अभी हर चीज़ आपको सेट करके बताऊँगा कि कैसे इसे सेट किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो डेट डे है, सॉरी ये डे नहीं है, आर से मिनट, फिर उसके बाद आता है ईयर, फिर इधर मंथ और डेट। ये सारी चीज़ें कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसको सेट करने के लिए आपको चार बटन दिए गए हैं, बैक साइड में आपको चार बटन दिए गए हैं, अगर आप देख पाए तो। ये देखिए, ये एक टैब है, डाउन, अप, सेट और ये एल लिखा है, मतलब वो अलार्म के लिए है। तो देखते हैं कि कैसे इसको सेट करेंगे। तो पहले हम क्लिक करेंगे सेट बटन पर। ये देखिए, ये 12 वाला जो है आर्स का जो नंबर है ये ब्लिंक होने लगा था। अभी हमारा जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:40, तो हम 6:40 करेंगे, तो हम इसको करेंगे डाउन। तो डाउन करने के लिए ये देखिए पीएम भी आपको ब्लिंक हो रहा है, ये देखिए, तो सॉरी ज़्यादा ऊपर 6:40 हो रहे हैं। तो फिर से सेट को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे, ये देखिए फिर से होने लगा ब्लिंक, तो 6:40 हो रहे थे, हम इसे करेंगे अप। आप इसे थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो नंबर तेज़ी से भागने लगता है, ये 37, 38, 40। अब ये हो गया सेट। फिर से हम क्लिक करेंगे सेट पे और फिर ये बता रहा है ईयर। ईयर अभी इसमें जो बता रहे वो 18 है, हम 21 सेट करेंगे, तो हम करेंगे अप, ये अप हो गया। अब फिर से हम करेंगे सेट पे क्लिक। अब देखिए यहाँ पे मंथ पे क्लिक करना, मंथ जो है वो ब्लिंक होने लगा है, तो मंथ को सेट करते हैं। अभी चल रहा है जुलाई, मतलब 7, तो हम करेंगे अप, ये हो गया 7। फिर से हम क्लिक करेंगे कि इस पर सेट पे, ये देखिए ये सेट करने के बाद इस पर क्या हो रहा है, डेट डेट जो है उस पर क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। तो इस पर जो डेट आज है वो आज है 6 जुलाई, तो इसको हम सेट करते हैं अप करके। ये देखिए हमने सेट किया 2021 सेवन्थ मंथ 6 तारीख, तो यहाँ पे डे खुद ही आ गया है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया है। और नीचे जो आपको दिख रहा है ये टेम्परेचर, ये खुद ही इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहता है, तो इसमें आपको कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। जो सेटिंग की ज़रूरत थी वो पहला ये हो गया सेटिंग करने का। अब हम इसमें देखेंगे कि अलार्म कैसे सेट करते हैं। अलार्म को सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको नीचे जो अलार्म बटन दिख रहा है यहाँ पे, आपको AL लिखा है शॉर्ट में, दिख रहा है क्या, ये इधर लिखा है AL शॉर्ट में, तो इस पर हमको क्या करना होगा, क्लिक। तो मैं अभी क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, हम करेंगे जब क्लिक तो हमें ये दिखेगा क्या, ये देखिए ये हमारा टाइम सेट था। तो अभी हम फिर से करेंगे सेट पे प्रेस करके रखेंगे, ये देखिए 6 आ गया। फिर हम सेट करते हैं, कितने का सेट करते हैं, हम 6:35 का सेट करते हैं, क्योंकि उससे फिर हमको वो रिंग करते हुए भी हमको दिख पाएंगे हम उसको, तो 6 का वो 6 ही रहने देते हैं। फिर से सेट को करते हैं प्रेस, इसको करेंगे थोड़ा सा चेंज, इसमें हम करेंगे अप, 6:35 हो गया। फिर से करेंगे सेट पर क्लिक और ये सेकंड है, कितने सेकंड तक हम इसको बजाना, मतलब रिंग करे ये हम बताना चाहते हैं, इसको हम मैं कर देता हूँ 30 सेकंड तक, तो मैं करूँगा डाउन ना, तो क्या 33 आया, 30। अब फिर अब सेट करेंगे हम सेट,
और ये देखिए ये जो अभी 5 ब्लिंक हो रहा है ये इसमें रिंग है, तो रिंग अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे वो वेरी करेगा। डाउन क्लिक करते हैं, हुआ क्योंकि हमने जो टाइम सेट किया था, हम फिर से टाइम सेट करते हैं 6:45 का, फिर देखते हैं कि कैसे ये ब्लिंक होता है, रिंग होता है। ठीक है, और फिर से करेंगे हम सेट 30 सेकेंड, रिंग हम वही चूज़ करते हैं जो 6 नंबर 7 नंबर का मैंने चूज़ किया था। आपको अगर डाउट होते एक बार सुना के बता देता हूँ मैं, ये 8 नंबर का रिंग है आपको दिख रहा है, ये है 7 नंबर का, तो मैं इसी को करता हूँ सेट एंड जस्ट वेट फॉर 6:45। ऐसी इसकी आवाज़, हमने जो रिंगटोन सेट किया था उसी रिंगटोन की वजह से 30 सेकेंड तक रिंग बेल बजेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे, देखते रहिए आप। तो इस प्रकार से आप इसमें रिंग को सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें रिंग को सेट कर सकते हैं और अलार्म को भी सेट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत कि जो इसमें लाइट जो होता है वो चेंज होते जाता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये हाथ को ला के इसके ऊपर से प्रेस करना है और देखिए सारे लाइट्स खुद ही ब्लिंक हो जाएंगे। इसके इन्वायरमेंट को देखिए कैसे इसमें इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस आते हैं, इन्वायरमेंट पूरा उसी की जैसा बन जाता है, ये ऐसा इन्वायरमेंट इसमें क्रिएट हो जाता है, देखते रहिए आप। ये लाइट खुद ही चेंज हो रहा है, आप पूरा देखिए ये लाइट अभी ब्लू हो गया, पहले ग्रीन था, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, अभी पिंक हो गया है। अब देखिए पूरा पूरा इन्वायरमेंट देख सकते हैं कि इसमें कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये रहा ग्रीन कलर, आप देख सकते हैं इसको, ये फिर से ब्लू, ये पूरा इन्वायरमेंट देखिए पूरा उसी के जैसा बन जाता है। ये फिर से जा रहे हैं शायद ब्लू की तरफ जा रहे हैं, अभी आ गया रेड इन्वायरमेंट, पूरा रेड रेड दिखेंगे लेकिन आप देखिए वो समय पूरा आपको दिख ही रहा है, ये रेड, फिर उसके बाद देखो कौन से कलर चेंज होते हैं, पहला हुआ ग्रीन, ब्लू, रेड, अभी ये फिर से ग्रीन में आ गया, मीन्स 3 कलर शायद ब्लिंक हो रहे हैं, ये ब्लू, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या होते हैं लाइट्स ब्लिंक।